हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। 4 नवंबर के इस द हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। और सुबह सुबह लेसन्स आते हैं, शाम को आते हैं एमसीक्यूज के लेसन्स, और दोनों आपको फॉलो करने हैं। इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, आर्टिकल्स हैं, फैक्ट्स हैं, डिटेल्स हैं। एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में हम इसको डिस्कस करते हैं और पॉइंट्स आपको इस एक्सप्लेनेशन से जो हैं वो मिलते हैं। और मेन्स आंसर राइटिंग हो, चाहे प्रीलिम्स के टॉपिक्स हो, चाहे उनके कॉन्टेक्स्ट हो, वो सब यहां से आपको मिलेगा। तो ये आपको फॉलो करने हैं डेली, कोई गैप इसमें मत रखना। और अब तो ऐसा टाइम है कि बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि ये जो टाइम दिवाली के बाद स्टार्ट होता है उसके बाद से ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन के जो कॉन्टेक्स्ट हैं वो प्रिपेयर होते हैं, और वहीं से आपके प्रीलिम्स में पूछेंगे, वहीं से आपके मेंस में पूछेंगे। और अब बात करते हैं पेड कंटेंट के, जो ₹159 पर मंथ में ही अवेलेबल है। और इश्यूज कोई भी हो तो आप उन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट फैकल्टीज के जो करंट अफेयर के वीडियोज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। पॉकेट न्यूज़ अप्रेंटिंग के ऊपर है, इन कोर्सेज के रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिलेगा। और ये 2 नंबर हैं जहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, कोई भी इशू आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा PDF, कहाँ मिलेगा, यहाँ पर टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है इस फेसबुक ग्रुप पर, वहाँ पर मिलेगा। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और कुछ वर्ड्स जो मुझे आज मिले हैं इनको आप यूज़ करना। अब बात करते हैं, एक तो सबसे क्रूशियल इशू, नॉर्थ इंडिया में अगर आप रह रहे हो, खासकर दिल्ली में रह रहे हो, तो आपको न तो कोई सिगरेट पीने की ज़रूरत है, न कोई आपको सिगार पीने की ज़रूरत है। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, दिन में 25-30 सिगरेट कोई इंसान पिए, वैसा तो पोल्यूशन अवेलेबल है वहाँ पर, अगर आप सांस भी लेते हैं नॉर्मली तो ये यहाँ पर हालत है। और कौन इसका जिम्मेदार है, ये सोचने वाला विषय हो गया है। जो लोग ये बोल रहे हैं कि इंसान कुछ क्लाइमेट को नहीं चेंज कर रहा है, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो फालतू हैं, तो ये सब कुछ दिख रहा है, हम ये सब कुछ सांस ले रहे हैं। और यंग बच्चों में, 20-20 साल के लड़कों में, लड़कियों में कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। आप सोचिए क्या स्थिति है, हम क्या ब्रीथ कर रहे हैं, कहाँ पर जो अर्थ का किस तरह का बैलेंस था, और जब स्टार्ट हुआ होगा डेवलपमेंट उससे पहले कितना क्लीन एयर होता होगा, कितना ज़्यादा, मतलब ये चीज़ आप सोचिए। एक चीज़ होती है कि जब स्क्रूटनी करनी होती है कि साइंस ने कितना हेल्प किया और इंसान ने क्या उसका मैनेजमेंट किया, तो ये सबसे बड़ी बात है। हमेशा कोई बड़ी हेल्प या बड़ी कोई आपके पास में पावर आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आती है। अब साइंस के साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन उसको हम नहीं देखते हैं, सिर्फ हम सुविधाओं को देखते हैं। उसके साथ में हमको ये देखना था कि साइंस का यूज़ हम बेटर मैनर में करें। तो जब हमारे पास में व्हीकल्स हैं, ये सारा जो परचेसिंग पावर है सब कुछ है, तो हमें साथ में कुछ ऐसे चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है इनिशिएटिव्स लेने चाहिए जो कि एनवायरनमेंट को भी बैलेंस करें। इस देश में सब कुछ डिस्कस होता है जो कि नॉनसेंस है, चाहे वो कोई रिलीजन पॉलिटिक्स का जो एक इंपॉर्टेंट नेक्सस है वो डिस्कस होता हो, चाहे कुछ भी होता हो, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस होता है। और एक डेटा के अकॉर्डिंग मैंने बताया भी था कि पिछले 200-300 डिबेट्स के अंदर अधिकतर डिबेट्स तो वही वो सब डिस्कस हो रही हैं, पॉल्यूशन के ऊपर एक भी नहीं हुई, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एक भी नहीं हुई। तो ये दिखाता है हमारी प्रायोरिटीज़, और जो इन मुद्दों को प्रायोरिटी पर रखता है, डेवलपमेंट के मुद्दों को, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दों को, एनवायरमेंट के मुद्दों को, वही देश जो है वो आगे जाता है और उसका फ्यूचर हमेशा शानदार होता है। उसके आगे की जनरेशन जो है वो बहुत प्राउड फील करती हैं अपने पास्ट के लिए, और आगे प्रोग्रेसिव थिंकिंग भी रखती हैं। लेकिन हम किस तरह का प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस तरह से हम आगे जा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है, क्योंकि हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ हैं और हम उस पर एक भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, जो टॉप 5-6 चैनल हैं इस देश के अंदर जिनको दुनिया देखती है, उनमें एक भी डिस्कशन इसका नहीं हो रहा है, और स्थिति ऐसी बनी हुई है। और इसके अंदर भी हम पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। कुछ दिनों तक इसका एडवर्टीजमेंट ऐसे हुआ कि दिल्ली का पोल्यूशन बहुत ही कम है और इस पर जीत पाई है, डेंगू कम हुआ है, ये कम हो गया है। अब वो चीज़ एकदम से ऐसे हो गई है, और उसमें लगातार कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं कि इंटेंशनली कुछ लोग वहाँ पर जो है धुआं क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का मुद्दा बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए कैसी हैं, आप किस तरह से हम इसमें आगे चल रहे हैं। तो ये नेगेटिव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, लोगों की जान से जा रही है। और जिसके साथ होता है उसको पता लगता है कि ये क्या चीज़ है, और वो फिर जो लोग हैं वो उसको भुगतते हैं, तो वो एक्टिविस्ट बनते हैं, फिर बाकियों को फिर मतलब नहीं होता है। लेकिन ये कलेक्टिव जो कॉन्शियंस हमारा है वो कहाँ लॉस्ट हो गया है, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि अगर ऐसी हवा में हम जी रहे हैं तो हम फिर क्या जी रहे हैं, और इसका मतलब हम अपना जो कॉन्शियंस है वो लॉस्ट कर चुके हैं, और हम आंख बंद कर रहे हैं। और कब से हमने अपनी ही, जिसको बोल सकते हैं कि अपनी ही डेथ पेपर पर साइन कर दिया है, क्योंकि इस हवा में सांस लेना अपनी लाइफ को ही खतरे में डाल देना, और खतरा नहीं है तो श्योर एक डेथ ही है। अगर हम ऐसी हवा में लंबे टाइम तक सांस लेंगे तो श्योर हमें कोई बीमारियां पकड़ेंगी ही पकड़ेंगी। ये इशू है। और यहाँ पर देखिए,
हालत जो है और खासकर नॉर्थ इंडिया की जो सिटीज़ हैं उसमें ये हालत है। अब किसानों के ऊपर सब कुछ बात हो रही है, सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं, आरसीपी के अंदर जो डीलिंग की बात है वहाँ पर भी कोऑपरेशन अच्छा नीडेड है और वैसा हम स्टेप्स उठाएंगे भी। अभी तक क्लियर नहीं है कि उसमें जो जो इश्यूज़ हैं आरसीपी के अंदर फ्री ट्रेड वाले उसको कितना एक्सेप्ट हम करते हैं और क्या हम हमारे डिमांड रखते हैं, लेकिन किसान उसके लिए लगातार जो है विरोध भी कर रहे हैं कि वो डिवास्टेटिंग होगा इंडिया के एग्रीकल्चर के लिए। पहले से ही क्राइसिस है और ये जो नमूना है दिल्ली का ये उसी क्राइसिस का नतीजा है, क्योंकि जो खेतों के आसपास में जो पराली जलाते हैं, जो स्टबल बर्निंग होती है, उसी का नतीजा है। तो ये जब उसका नतीजा है तो उसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं हम? क्या हमारी कैपेसिटी नहीं है? हम जब हज़ारों करोड़ रुपए मूर्तियां बनाने में लगा सकते हैं तो क्या हम उसमें हम नहीं फंड दे सकते हैं? क्या हम उनके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते हैं? और ऐसे इश्यूज हैं जैसे हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी है, वो इसका एक सोल्यूशन है। कुछ और भी अलग इश्यूज हैं, लेकिन हर जगह क्या बात आती है कि फंड नहीं होता है, कैपेसिटी नहीं होती है, सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास में और चीज़ों के लिए फंड अनलिमिटेड है। चुनाव के अंदर खर्चा करने के लिए फंड अनलिमिटेड है हमारे पास में। तो ये इशू है और लोग इन चीज़ों को नहीं देखते हैं क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख गए हैं। कहाँ पर? जहाँ पर कोई चीज़ हमें बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती है हमारी डेली लाइफ को और हमें हमारा गला नहीं घोटती जब तक, तब तक हम उसको समझते नहीं हैं। सिर्फ हम उस चीज़ की तरफ हमारे लाइफ डिराइव कर रहे हैं जहाँ पर कोई अट्रैक्शन है, स्टेटस की बात है, पॉलिटिक्स की बात है, वही चीज़ें हमारे देश के अंदर अधिकतर प्रायोरिटी पर रहती हैं। गाड़ी हम खरीदते हैं क्योंकि वो स्टेटस सिंबल होता है, हम उसको मोबिलिटी बढ़ाने के लिए कम लेते हैं और स्टेटस सिंबल के लिए ज़्यादा लेते हैं। तो ये वैसी ही चीज़ है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं हम उन चीज़ों को प्रायोरिटी पर कम रखते हैं और हम या तो कोई अट्रैक्शन में आता है या फिर कोई राइवलरी होती है, कोई कंपटीशन होता है या फिर कोई भी मतलब जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको प्रायोरिटी पर रख लेते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि हमारी प्रायोरिटीज़ अजीब हो गई हैं। जो चीज़ वाइटल है हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो चीज़ वाइटल नहीं हम उनको ज़बरदस्ती का डिस्कशन में लेके आ रहे हैं, जैसे कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे हैं, जैसे कि कुछ और इश्यूज़ हैं वो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान हम सब कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है उसमें हमें ना तो आतंकवादी की ज़रूरत है ना हमें कोई और सिक्योरिटी थ्रेट की ज़रूरत है। यहाँ पर लोग वैसे ही मर जाएंगे अगर ये स्थिति लगातार बनती रहती है तो, और ये हर साल की समस्या, आप सोचिए कैसे कैसे इश्यूज़ हैं। हालांकि थोड़ा सा लंबा खींच रहा है लेकिन इन इश्यूज़ पर बात करना ज़रूरी है क्योंकि ऐसे के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जैसे कि बारिश आती है डेंगू आ जाता है, जितने भी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर रैपिड अर्बनाइजेशन का बहुत बड़ा इशू है, मैनेजमेंट ही नहीं है। और हमने सारे अभियान चलाए, स्वच्छ भारत भी चलता है, सब कुछ चलता है, कोऑपरेशन सबका नीडेड है, लेकिन फिर भी कितना सिंसियरिटी उसमें है, कितना उसमें सब्सटेंस है, ये भी ऑब्जर्वेबल है। कमियां सबकी तरफ से हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी कमियां हैं, करप्शन भी है और लोगों की भी अवेयरनेस का इशू है बहुत बड़ा। और लोगों की अवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि लोग ही प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट्स के ऊपर। अगर लोग इन चीज़ों को चुनावी मुद्दा बनाए तो फिर ये चीज़ें सुधरेंगी सुधरेंगी, लेकिन लोग सिर्फ ये होता है कि आंख बंद करके अंधे होकर किसी के पीछे भाग रहे हैं कि कल को कोई फेवर मिल जाएगा, कल को कोई करप्शन कर लेंगे। इस तरह की प्रायोरिटीज जब हमारी होती हैं तो फिर मुद्दे वही बनते हैं और उन्हीं कन्वेंशनल और ढकोसलों के ऊपर चुनाव होते हैं और वो लोग जीत जाते हैं और फिर वो कुछ केयर नहीं करते क्योंकि उसमें सिंसियरिटी का एस्पेक्ट कहीं पर था ही नहीं। ये इशू है। तो इसलिए प्रायोरिटीज़ की बात बहुत बड़ी है। आज मीडिया पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई इस पे बात ही नहीं करता, लोग इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं चला रहे हैं, लोग जो हैं मंदिर मस्जिद के लिए गला कटवाने को तैयार हैं, लेकिन वो मीडिया पे ये प्रेशर नहीं डाल सकते हैं कलेक्टिव होकर कि आप इन चीज़ों को डिस्कस क्यों नहीं करते हो, क्या ये पोल्यूशन का मुद्दा नहीं है, क्या एम्प्लॉयमेंट मुद्दा नहीं है, क्या जो इश्यूज़ हैं एग्रीन क्राइसिस के वो क्या मुद्दे नहीं है, उस पर कोई रोक टोक ही नहीं है। इसलिए ये सब कुछ एकदम उसी ट्रेजेक्ट्री पर चलता ही जा रहा है और इस तरह से तो ये तो रस्ते बर्बादी के रस्ते हैं। जिस तरह से हम एक तो सोशल डिवीजन कर रहे हैं, कम्युनल इश्यूज़ को बढ़ा रहे हैं और डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वो तो सीक्रेटिव है, उसका तो पता नहीं है, स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आते हैं लेकिन रियल लाइफ में चेंजेस कम दिखते हैं कंपैरेटिवली। और ये सब समस्या हमारे सामने रह रही हैं, लगातार रह रही हैं, तो फिर ये किस तरह का डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। और ये हमारी ही बात नहीं, पूरी दुनिया की बात है लेकिन इंडिया के लिए और स्पेसिफिक है क्योंकि हम उस फेज में हैं और हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। हम अर्बनाइज हो रहे हैं लेकिन हम सीख नहीं रहे हैं, अर्बन एरियाज में भी रहकर हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझते हैं कि अर्बन एरियाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। जहां पहले 10,000 लोग रहते थे वहां पर आज 1,000,000 लोग रह रहे हैं, तो वहां चेंजेस करने पड़ेंगे, हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जिम्मेदारी हम नहीं फील करते हैं। और उसके लिए एनजीओ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो जो है उनके ऊपर कई तरह के प्रेशर्स आजकल चल रहे हैं और सब कुछ जो है
सेंट्रलाइज करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कहाँ से? तो ये सब इश्यूज हमें देखने पड़ेंगे और इन्हीं से ही हमें पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये रियलिस्टिक समस्याएं हैं, इन्हीं से ही आपके ओरिजिनल आंसर राइटिंग होने वाली है। तो ये मुद्दा बहुत बड़ा था, इसलिए आज मैंने इसका टाइम लिया है। और वैसे आज दूसरे इश्यूज जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं जो आर्टिकल्स हैं, इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा है, इसके ऊपर आर्टिकल जरूर से आएंगे। और आप देख सकते हो हालत कैसी है। अब किसानों की जो समस्या वो जेन्युइन है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं जलाने के अलावा, लेकिन उनको सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट ही करेंगी। वो जब कलेक्शन कई तरह के हो सकते हैं, लोगों से कई तरह के प्रेशर आ सकते हैं, जब चलान इतने इतने बड़े बढ़ाए जा सकते हैं, तो इस तरह के सोल्यूशन भी निकाले जा सकते हैं। फंड्स की कमी दिखती नहीं है जितनी दिखाई जाती है, ये एक इशू है। नेक्स्ट, इंडिया उज्बेकिस्तान ने 3 डिफेंस डील्स कर ली हैं। देखिए अभी जो हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट का जो एक इम्पोर्टेंट समिट है वो ताशकंद में उज्बेकिस्तान में जो है वहां पर चल रहा था। मैंने कल आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, राजनाथ सिंह जी वहां गए हैं, नेक्स्ट वाला जो है SCO का वो इंडिया में होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि इम्पोर्टेंट MOU साइन हुए हैं, और ये पहली विजिट थी इंडिया डिफेंस मिनिस्टर की लगभग 15 सालों के अंदर, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बार का 2020 का जो समिट है हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट का, वो इंडिया में होने वाला है SCO का। एक जो है डस्ट लिक जो एक जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान की, ये भी आप याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं, डस्ट लिक 2019, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है CIA, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसने बैक किया है कि RCEP जो हम साइन करने वाले हैं वो उसके फेवर में है, क्योंकि उससे एक तो सप्लाई चेन के लिए मार्केट बढ़ेगा, जब इतनी सारी कंट्रीज कनेक्टेड हो जाएंगी, एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, जिनके पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिनके पास में बिजनेस बड़े बड़े हैं, उनके लिए तो मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो इसको पूरा वेलकम कर रहे हैं और इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद बात होगी, ये भी बात पहले से एक्सेप्टेड है। लेकिन इसमें कंसेंसस क्यों नहीं है? क्योंकि फार्मर्स पूरा इसके अगेंस्ट हैं। बहुत बार एक्सपर्ट्स ने बोल दिया है कि इसमें जो टैरिफ वगैरह कम हो जाएंगे तो ये सब कुछ होगा, तो ये होगा कि जो दूसरे देशों के जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर ज़रूर से आएंगे, जो सस्ते हैं वो यहाँ पर ज़रूर से आएंगे, तो इंडिया वालों का प्रायोरिटी हो सकता है ना मिले। जैसे स्टील का एग्जाम्पल आया था, चाइनीज स्टील पिछले 4-5 साल पहले खूब इंडिया में डंप हुआ, इसके कारण इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्रीज थी वो पूरा डिवास्टेट हो गई थी, उसके बाद में हमें एंटी डंपिंग ड्यूटी लगानी पड़ी थी। तो ये इश्यूज जो हैं RCEP में इंपॉर्टेंट होंगे, क्रूशल होंगे। यहाँ पर देखिए इंडिया ने अभी तक कुछ क्लैरिटी इसमें नहीं दिखाई है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स हम रखने वाले हैं जो अभी क्लियर नहीं है, इस पर आर्टिकल ज़रूर से आएगा, तब तब हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं फार्मर्स के लिए, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, उन्होंने कहा कि हम इसमें प्रोटेस्ट करेंगे, हैवी प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर ये नेगोशिएशंस आगे ऐसे ही चलते हैं और कोई स्पेसिफिक डिमांड इंडिया नहीं रखता है, तो फिर ये इंडिया के खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़े डिवास्टेटिंग होंगे, क्योंकि वो सस्ते प्रोडक्ट्स बाहर से फिर आएंगे, कमोडिटीज़ फिर बाहर से आएंगी, क्योंकि उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा और टैरिफ्स के इन सब के इश्यूज इतने होंगे नहीं, तो आराम से उनका फ्लो होगा चीज़ों का, तो जो जो सस्ता प्रोड्यूस कर रहा है वो यहाँ पर आएगा। मान लीजिए गेहूँ जो है वो किसी और कंट्री में बहुत सस्ता है, तो वो यहाँ पर आ सकता है और उस पर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगा सकते हो अगर आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है तो। इसलिए किसान जो है इसमें बहुत चिंतित हैं, लेकिन CIA ने इसको जो है वेलकम किया है। अब देखते हैं, इसके ऊपर आर्टिकल्स ज़रूर से आएंगे, नेक्स्ट वीक के अंदर इसके ऊपर बड़े आर्टिकल्स आने वाले हैं। थाईलैंड बैंकॉक में ये चल रहा है और इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कल। नेक्स्ट, आर्मी टू हैव फर्स्ट धनुष रेजिमेंट बाय मार्च 2020, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मार्च 2020 तक पहला धनुष जो है, आप देखिए ये इम्पोर्टेंट इंडिजिनसली अपग्रेडेड एक तोप है, सीधा बोल सकते हो। पहले जो बोफोर्स का एक स्कैंडल हुआ था, बोफोर्स जो स्वीडिश कंपनी की थी, स्वीडिश बोफोर्स तोप जो प्रोक्योर नहीं हो पाई थी और उसमें इतने सारे इश्यूज आ गए थे, तब से हमने इसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया था। ये 70 से स्टार्ट हुआ है और कई बार ये डिले हो गया, अब जाकर इसके क्लियरेंस वगैरह सारे मिल रहे हैं और मार्च 20 तक इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा। 18 गन्स इसमें आ जाएंगी और इसके अलावा 36 और जो होंगी वो मार्च 21 तक आ जाएंगी और इसके अलावा 40 मार्च 22 तक आ जाएंगी। तो ये जो है 100 से ऊपर जाने वाली हैं। और वैसे अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, जो डेवलपमेंट क्या है कि एक तो जो गन जो है इसके अंदर जो यूज़ होगी वो 155 mm की होने वाली है, जो बड़ा डेवलपमेंट है।
पहले 105 वाली चल रही है जो कि ऑब्सोलीट हो चुकी है, तो ये 155 मिलीमीटर की टाउड होविट्जर जो गन है वो इसमें यूज होगी। यही सबसे बड़ा डेवलपमेंट है, ठीक है। ये 80 से स्टार्ट हो गया था और 2018 में इसके ट्रायल्स कंप्लीट हुए और ये अप्रूव हो गया इस साल, और 114 गन्स जो हैं वो इसमें ऑर्डर की गई थी। किसने डेवलप किया है? जो हमारा OFB है, ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो हमारा है OFB, उसने इसको डेवलप किया है। और ये जो एक्सपो हुआ था डिफेंस एक्सपो 2018 का, उसमें भी इसको शोकेस किया गया था। तात्रा ट्रक जो होते हैं 8x8 के, उसके ऊपर भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो ये डेवलपमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखिए तात्रा ट्रक के ऊपर अगर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं तो ये मूवेबल भी होगा काफ़ी ज़्यादा, और ये इसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। धनुष, ये एक होविट्जर गन है, ये आप ध्यान रखना, छोटी तोप आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट, और इंडिजिनसली डेवलप है, OFB ने बनाया है। इसरो का नाविक, देखिए 2-3 साल पहले इसका इशू बड़ा डिस्कस हुआ था, एक सैटेलाइट्स का पूरा चेन हमने डेवलप किया इंडिया का जो नेविगेशन के लिए, जैसे GPS हम यूज करते हैं वो अमेरिका का है, बाइडू चाइना का, ग्लोनास रशिया का है, तो ये ऐसे ही है, इंडिया का नाविक है। और इसके लिए हमने 8 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया, वो काम कर रहे हैं। ये ग्लोबल इसका रेंज नहीं है, जैसे GPS है पूरी दुनिया के लिए है, लेकिन ये जो है नाविक ये इंडिया सेंटर्ड है, इंडिया के 1500 किलोमीटर की जो एक रेडियस है उसके अंदर ये काम करेगा, तो ये खासकर इस सब कॉन्टिनेंट के लिए है। तो अब इसका क्या होगा, अब ये जो सर्विस देगा तो काफ़ी यूनिक सर्विस देगा, काफ़ी ज़्यादा इसका जो रेजोल्यूशन होने वाला है और काफ़ी हेल्पफुल ये होगा मिलिट्री के लिए, तो खासकर होगा ही होगा। लेकिन अब इसका कॉमर्शलाइज इसको करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे कमाई हो सकती है आराम से इसरो की। इसरो की जो कमर्शियल आर्म है अंतरिक्ष जो है वो इसको कमर्शलाइज करेगी और बिजनेसेस के लिए और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा ये। और ये इंडिजिनस है, इसलिए ज़्यादा सेफ है, ज़्यादा रिलायबल है और इम्पोर्टेंट भी है और एडवांस्ड भी है, तो इसको कमर्शलाइज ये कराएंगे। तो ये डेवलपमेंट है और इसकी सर्विसेज जो है वो इसरो को कमाई करवाएगी। तो ये नाविक है, इसका नाम है, वैसे आप नाव देख रहे हो, इसका नाव से मतलब नहीं है, इसका मतलब है जो नेविगेशन सिस्टम है, तो वो नाविक सिस्टम है इंडिया का, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 8 सैटेलाइट्स हैं जिसके थ्रू ही होगा। और एक ये जो सर्टिफिकेशन इसमें मिलता है, देखिए एक 3GPP नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, ये क्या करता है, ये ग्लोबल बॉडी है जो कि मोबाइल टेलीफोन स्टैंडर्ड्स के कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ये सर्टिफिकेशन देता है कि भाई हाँ ये चीज़ रिलायबल है और ये ऑथेंटिकेटेड है, तो वो इसको मिल चुका है नाविक को, तो अभी अपनी सर्विसेज दे सकता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और GS पेपर 3 के लिए ये ज़रूरी होगा, अच्छा होगा टॉपिक, याद रखना आप। 8 सैटेलाइट्स इसमें हैं, नाविक इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या था, नेविगेशन थ्रू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि सैटेलाइट्स का जो एक समूह है, वो तारों की तरह जैसे होता है, तारों का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वैसे ही सैटेलाइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इसको एरिया को कवर करते हैं 1500 किलोमीटर के रेडियस पे इंडिया के चारों तरफ से। तो ये इंडिया सेंट्रिक एक नेविगेशन सिस्टम है। ये अंतरिक्ष का डिटेल है, ये पहले एक प्राइवेटली ओन बॉडी थी, बाद में सितंबर 1992 में ये गवर्नमेंट के अंदर आ गया पूरा, और ये मार्केटिंग आर्म बन गई है इसरो की। इसके अंदर एक बड़ा घोटाला रिपोर्ट हुआ था अंतरिक्ष देवास का, लेकिन वो अलग चल रहा है, ये इशू जो है वो अलग है, ये तो इसके जो वर्क एरियाज है उसके अंदर आएगा। तो अंतरिक्ष इसको कॉमर्शलाइज करेगा, इसरो का मार्केटिंग आर्म है ये, और किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही आता है सीधा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है वो किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, सीधा PMO के अंडर आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया को, जिसके ऊपर अटैक हुए थे कुछ दिनों पहले, इसकी फैसिलिटी के ऊपर, सबसे बड़ी जो फैसिलिटी है जहां पर क्रूड ऑयल निकालता है, अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस जो है वो होती है वहां पर। और अब सऊदी अरेबिया जो है उसके लिस्टिंग करने वाला है, IPO आएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई कंपनी अगर अपना पैसा लगाती है और वो जो लोगों से कोई पैसा नहीं लेती है, उसके खुद के अपने स्टेक होल्डर्स होते हैं और वो पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो नॉर्मल चलती है कंपनी। अब मान लीजिए कल को उसको ये डिसीजन होता है कि लोगों से पैसा उठाते हैं, इसके शेयर्स निकालते हैं, तो जैसे मान लीजिए वो 70% अपने पास रखें, 30% को वो ये बोलें कि इतना जो अमाउंट है वो हम शेयर्स के थ्रू
इकट्ठा करेंगे तो 30% के शेयर निकालेंगे। मान लीजिए 30% के उन्होंने 30 शेयर निकाले, तो 30 शेयर अब सेल पे आएंगे पहली बार, तो ये इनिशियल पब्लिक ऑफर होगा। और जितनी बड़ी और एस्टैब्लिश कंपनीज होती हैं उनके ऑफर्स बड़े होते हैं और उन पर ट्रस्ट भी लोगों को ज़्यादा होता है, तो लोग खूब खरीदते हैं। जैसे पिछले दिनों IRCTC का आया था तो उसको खूब खरीदा, ऐसे ही कोल इंडिया का कई साल पहले आया था तो लोगों ने खूब उसको खरीदा। तो अब ये दुनिया का सबसे बड़ा IPO आने वाला है, ये फ्लोट करेंगे ये। तो सऊदी अरेबिया पहले ही देखिए कई सारे वेज निकाल रहा है कि ऑयल के ऊपर जो उसकी डिपेंडेंस है वो कम हो और बिजनेसेस में बढ़े। तो UAE उस पाथ पे चल ही पड़ा है, पूरा उसका टूरिज्म का सेक्टर उन्होंने डेवलप किया है और अब ये भी वो कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया में भी ऐसा ही एक ट्रेंड चल रहा है, तो कई ट्रांजिशन वहाँ पर चल रहे हैं, कई तरह के नए बिजनेस चल रहे हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं दुनिया भर के अंदर क्योंकि उनके पास में खूब इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी है। तो ये भी एक बड़ा इशू होने वाला है जिसके अंदर ये इसका IPO लेके आएंगे, तो ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, ये पॉइंट्स लेने के लिए एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है जो आप पढ़ सकते हो, इसको डिस्कस करने का तो कुछ नहीं है, इसमें आप पढ़ सकते हो। ई सिगरेट्स का जो बैन करने का जो इशू हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था उसी के रिगार्डिंग है कि बहुत सारे कंट्रीज जो है वो ई सिगरेट्स को बैन कर रही हैं, हालांकि जो नॉर्मल सिगरेट्स हैं उस पर कोई बैन नहीं है, ई सिगरेट्स पर भी बैन लगाया गया है। तो उसके रिगार्डिंग सैंडा मलिन जो हैं, जो एक वाइटल स्ट्रेटजीज की जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ ये एक इंटरव्यू है और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर यहां पर किया है, ठीक है। तो ये जरूर से आप पढ़ना, इसमें पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ये इशू जो हमने डिस्कस पहले भी किया था और ये चिंताजनक स्थिति है, जो कोर सेक्टर है, मैंने आपको बोला था कि 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, कौन सी, कोल है, सीमेंट है, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर हैं, स्टील है और इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये जो हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसमें देखिए एक नेचुरल गैस भी है, ठीक है, 8 ही हो गया। इनमें नेगेटिव डेवलपमेंट है, मतलब कि ग्रोथ की बजाय उल्टा डिक्लाइन है, ये लगभग 14 सालों के अंदर कलेक्टिवली हुआ है कि सबके अंदर अगर मिलाएं तो -5.2% का ग्रोथ आ रहा है, माइनस में आ रहा है। ये स्थिति चिंताजनक है। और इसमें जैसे मैंने बताया था कि कोल के अंदर तो -20.5% का है, ये बड़े सेटबैक्स हैं जो कि बिल्कुल भी इस टाइम पर नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये चल रहे हैं और इसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है। देखिए ये अगर सुधरती नहीं है स्थिति बहुत जल्दी तो बड़े क्राइसिस में हम फंस सकते हैं। और 2020 का जो स्टार्ट होगा उसके बाद से इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये फेज बड़ा ही चैलेंजिंग इंडिया के लिए होने वाला है। तो ये हमें ज़रूर से इसके रिगार्डिंग डिस्कशन स्टार्ट करने पड़ेंगे और खासकर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको ये टॉपिक्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान सिक्योरिटी थ्रेट और मंदिर मस्जिद करते रहेंगे तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। मैं हर चीज़ का कॉन्टेक्स्ट उससे जोड़ देता हूँ क्योंकि हमारे देश के अंदर जो काम होता है वो प्रेशर से ज़्यादा होता है, पॉलिटिकल प्रेशर से ज़्यादा होता है, और पॉलिटिकल प्रेशर उन चीज़ों का ज़्यादा होगा जिनके रिगार्डिंग डिबेट देश में चलती है, जो इश्यूज़ इमेज को इम्पैक्ट करते हैं और इकोनॉमी को बिल्कुल भी प्रायोरिटी पे नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ पर कोर सेक्टर की इतनी बुरी ग्रोथ जो है, इतनी बुरी स्थिति जो है, वो बहुत चिंताजनक है। ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, पहले से अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या इतनी बड़ी है और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, वो इस हालत में है, तो फिर हम उसमें बहुत जिसको बोल सकते हैं कि कंसर्निंग स्थिति में होंगे, तभी कुछ डेवलपमेंट होंगे। अदरवाइज ये चीज़ें ऐसे ही पास ऑन होती रहेंगी, स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने आते रहेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन अगर कोई उठाएगा तो फिर अलग तरह का इशू आ जाएगा, लेकिन इनके ऊपर बात होना बहुत ज़रूरी है। और बात बार बार जो है वो टल रही है, इनके ऊपर बात नहीं हो रही है, बैंकिंग क्राइसिस बिल्कुल भी मिटा नहीं है, लेकिन फिर भी वो चीज़ें डिबेट से गायब हैं। अब क्या आ गया है, जैसे पेगासस का इशू आ गया है वो बड़ा बन गया है, और स्नूपिंग के इशू ये बड़े बन गए हैं, तो इन सब चीज़ों ने इकोनॉमी के इशूज को साइडलाइन कर रखा है। ये चीज़ें जो हैं वो बहुत चिंताजनक हैं, लगातार इसके ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं। ये पेगासस का इशू है, ये वही बात है जो हमने पूरा डिस्कस किया था कि 1400 दुनिया में केसेस आए हैं जहां पर स्नूपिंग के और सर्वेलेंस के केस व्हाट्सएप ने रिपोर्ट किए और NSO के ऊपर, और सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो एक केस भी हुआ है, और उसमें एक चिलिंग रिमाइंडर ये हुआ है कि दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कुछ भी प्राइवेट नहीं है, टेक्नोलॉजी कुछ भी हासिल कर सकती है, कोई भी अटैक जो है वो सब हो सकते हैं, इसलिए साइबर लॉ और साइबर पॉलिसीज बहुत रोबस्ट होना ज़रूरी है। और यहाँ पर कोई पैसे को दिमाग में रखकर ये अटैक्स नहीं हुए हैं, ये भी चीज़ बिल्कुल प्रूव हो चुकी है। इसमें स्पाय जासूसी की गई है, और जासूसी जिनकी हुई है वो टारगेट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
क्योंकि एनएसओ एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट्स को और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ही ये बेचता है प्रोडक्ट, तो वो ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इंडिया में जो इसके टारगेट्स हैं उनका लिस्ट आया है अभी, निहाल सिंह राठौड़ लॉयर है, अनंत तेलतुंबडे एकेडमिक है, दलित एक्टिविस्ट विवेक सुंदरा है, जगदीश मेश्राम जो है ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हैं, और ये सारे गवर्नमेंट के क्रिटिक्स हैं सारे के सारे इंडिया में जिनको टारगेट किया गया। अभी एक और इशू भी ये भी आया कि जो प्रियंका गांधी जी हैं उनका भी जो शायद इस तरह का अटैक कुछ हुआ है, तो उसमें कई तरह की पॉलिटिक्स घुस गई है, लेकिन ये तो क्लियर केस हैं। और ये सारे टारगेट में किसके थे ये बड़ा इशू है, तो ये तो ऑब्वियस है कि गवर्नमेंट के ही टारगेट में थे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बड़े क्रिटिक साबित हुए हैं। कुछ एक और इशू ये भी आया है कि जो इशू हुआ था भीमा कोरेगांव वाला, उससे रिलेटेड कुछ लोग थे जिनको कुछ को अरेस्ट किया हुआ है और कुछ उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें टारगेट किए गए थे, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। इसका मतलब ये कुछ दिखाता है, ये कुछ पिक्चर सामने क्लियर कर रहा है कि स्पेसिफिक लोग ही टारगेट इसमें हुए हैं, और उनको टारगेट करने से किसका फायदा होने वाला था ये चीजें ऑब्जर्वेबल हैं। और यहां पर देखिए व्हाट्सएप ये भी कह रहा है कि हमने सर्ट इन को, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है, उसको हमने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो है उसको हमने इसके रिगार्डिंग इत्तला किया था, हालांकि क्लियरली नहीं पेगासस का नाम आया था लेकिन इत्तला जरूर किया था, लेकिन फिर भी इसको ट्रिवियल इशू मान के और इग्नोर किया गया। और अब ये कह रहे कि ये ट्रिवियल इशू नहीं रह गया, ये छोटा इशू नहीं है, और अब गवर्नमेंट को स्ट्रांग मैसेज भेजना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन इसके रिगार्डिंग नहीं दिया है कि वहां गवर्नमेंट की एजेंसीज ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इसके रिगार्डिंग कोई कार्रवाई की थी या नहीं की थी, उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें था कि नहीं था, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर कुछ झूठ बोला जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये डिजिटल वर्ल्ड है और कोई भी चीज़ जो है वो छुपी हुई नहीं हो सकती है, और इंटरनेशनली ये मुद्दा बड़ा हो चुका है और मैनेजमेंट इतना आसानी से नहीं हो सकता है। अब कोई मान लीजिए इंडिया में कोई एजेंसी है उसको तो मैनेज करना शायद कुछ करप्ट लोगों के लिए आसान होगा, लेकिन इनको इतना आसान नहीं है। जैसे कि व्हाट्सएप फेसबुक ने भी क्या बोल रखा है कि आधार को लिंक करने का जो इशू है उसके रिगार्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भाई इसको सेटल करो, हम इस तरह से नहीं चाहते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए पुश कर रही है लगातार। तो ये मुद्दे जो हैं बड़े डिलेमास हैं, और इनके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन अगर नहीं आता है, ये चीज़ें गायब कर दी जाती हैं मीडिया से, तो बड़े क्वेश्चन खड़े होते हैं। तो ये अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है, और ये सारे मुद्दे जो हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार, कई तरह की चीज़ें जो हैं जिसमें क्वेश्चन उठते हैं गवर्नमेंट्स के ऊपर, ये सब इसलिए कि डेमोक्रेसी के अंदर गलत चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हो, नेगेटिव डेवलपमेंट्स नहीं हो, और वो मजबूत हो और ट्रांसपेरेंसी बढ़े, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट चल रही है, डिजिटाइज्ड वर्ल्ड है, और इश्यूज इतने बड़े हैं कि इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इस तरह से स्नूपिंग अगर होती है, किसी की सीक्रेट बातें हैं, सीक्रेट इश्यूज हैं, कुछ भी अगर ऐसे किसी को एक्सेस होते हैं, और खासकर कोई करप्ट गवर्नमेंट एजेंसीज को होते हैं, कोई मतलब करप्ट हो अगर हम सपोज करें, तो बड़े कॉन्सिक्वेंसेस के हो सकते हैं, पॉलिटिकल टारगेटिंग हो सकती है इसमें, और फिर ये जो रस्ते सारे के सारे ये बहुत नेगेटिव डेवलपमेंट्स की तरफ जा सकते हैं, ये इशू है। तो स्नूपिंग जो है वो किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बिल्कुल भी अलाउ नहीं हो सकता, ये कोई तानाशाही जहां पर होती है वहां पर होती है सारी चीजें, डेमोक्रेसी में अलाउ नहीं कर सकते इन चीजों को, अदरवाइज तो बहुत डिवास्टेटिंग ये हो सकता है, और ये किन्हीं पर्टिकुलर ग्रुप्स को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता है और तानाशाही की तरफ देश को ले जा सकता है, इसलिए इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आना बहुत जरूरी है। ठीक है, पेपर टू के लिए और पेपर थ्री दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्राइवेसी का इशू की बात करें तो ऐसे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंसिडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, इससे आप आराम से पॉइंट्स बना सकते हो, जिनके एग्जांपल्स कहीं पर देने होते हैं तो ये आराम से दे सकते हैं इनके एग्जांपल्स सीधे सीधे। नेक्स्ट इशू जो है, देखिए नागालैंड की पॉलिटिक्स है, नागालैंड का इशू है, 70 सालों का स्ट्रगल है, और इशू ये है कि एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो नागा ग्रुप्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा फियर्स ग्रुप्स थे, इनकी लैंग्वेज भी एक जैसी नहीं थी, और बहुत राइवल्स रहे हैं, हेड हंटिंग का जो है बहुत इसमें फेमस रहा है कि भाई एक दूसरे के ग्रुप्स के लोगों को पकड़ पकड़ के मारते थे, उनका सिर काट कर और गांव के बाहर टांग देते थे, तो इतनी राइवलेज इनमें चलती थी। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इनको ब्रिटिश कॉर्प्स के अंदर एम्प्लॉय किया और लड़ने के लिए अपने रेजिमेंट्स बनाई और इनको यूज़ किया, तो उसके बाद में जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके अंदर एक यूनिटी का थोड़ा एहसास हुआ, जब वो वहाँ से वापस आए तो नागा क्लब भी क्रिएट हुआ, तो एक जो सेंस है इनके अंदर यूनिटी का और पर्टिकुलर नागा होने का, मतलब पहले कोई नागा कोई कम्युनिटी नहीं थी, आज बहुत सारे ग्रुप्स जो है वो नागा कलेक्टिवली नागा कहलाते हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग 101 साल पुराना है, ब्रिटिशर्स के टाइम का है, लेकिन वो फेड नहीं हुआ है, वो लगातार चल रहा है, लेकिन कुछ इंटरनल आपस में जो इनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अभी भी बने हुए हैं,
जिसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स से अलग अलग एरियाज के जो लीडर्स हैं उनके आपस में कुछ इश्यूज हैं, तो वो स्पॉयलर्स इसमें हो सकते हैं। अभी देखिए जो मिस्टर रवि हैं जो वहाँ पर गवर्नर हैं और वो उसको सारा डील को मैनेज कर रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट और ये नागा जो ग्रुप्स हैं, खासकर जो NSCNIM जो है इशाक मुहे वाला, इनके बीच में जो 2015 में भी साइन हुआ था उसमें भी कुछ इश्यूज खड़े हो गए हैं, लेकिन 31 अक्टूबर को लास्ट डेट इन्होंने दिया। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि ये डेडलॉक रहा, लेकिन ये एंड नहीं हुई बात, ये पूरा ब्रेक नहीं हुई ये बात। लेकिन आगे कॉन्ट्राडिक्शन जो है उनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। इन्होंने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई है कि भाई ये जो ग्रुप्स हैं इनके आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और अलग अलग ग्रुप्स इसमें बहुत सारे हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में तो हम समरी के रूप में लिखेंगे क्योंकि ये वहां का लोकल इशू है, और ये नेशनल मुद्दा एक तरह से है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज पहले देखी गई हैं और वो फिर से नहीं डेवलप हो जाए ऐसी, उसके लिए हमें इसको बेटर मैनेजमेंट इसका करना है। तो ये कह रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री अगर देखें तो नागा आइडेंटिटी लगभग 100 साल पुरानी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की है। उसके बाद में नागा क्लब बनता है, जब ये लोग वापस आते हैं वहां से, ब्रिटिश से कॉप से वापस आते हैं तो एक क्लब बनाते हैं। कुछ लीडर्स हुए जैसे एजी फीजो हैं, उन्होंने आर्म स्ट्रगल किया, इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली उसके बाद में, और ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चले 70s तक, बहुत ज़्यादा पंगे हुए और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत इसमें कंट्रोल करके चलना पड़ा इनको, और बहुत जो इश्यूज हुए। फिर 1997 में एक बड़ा अकॉर्ड हुआ, और खासकर जो इसाक मुहैया वाला जो NSCN जो ग्रुप है उसके साथ में हुआ। लेकिन ये चीज अभी तक चल रही है कि भाई अकेले जो इसाक मुहैया वाले जो ग्रुप है NSCN वो सबके रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, ठीक है। तो दूसरे जैसे ग्रुप्स हैं जैसे SS खापलांग जो लीडर है NSCN के, तो ये भी अपना इंपॉर्टेंस दिखाते हैं, कहते हैं कि भाई हम भी हैं, ये अकेले ही थोड़ी हैं और हम इनसे फिर अलग हो जाएंगे। तो फिर जब अलग हो गए तो फिर वो उस तरह से प्रेशर डालने लगे कि भाई ये डील जो ब्रोकर नहीं हो और सबका अपना अपना आइडेंटिटी रहे और सब लोग एक नहीं हो सकते हैं, हमारे सबकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है, और इसाक मुहैया के साथ में जो एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट का वो सबको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये इश्यूज दबे दबे उस टाइम पे रह गए थे, अब ये फिर से बढ़ने लग गए हैं। कुछ जैसे इनके 17 लीडर्स जो थे NSCN के, उन्होंने रिजाइन कर दिया, वहां से हट गए वो उस एग्रीमेंट से, और जब हट गए तो फिर ये चीज दोबारा से बड़ी हो गई है। और अब जब ये 370 का डिसीजन आया है उसके बाद में ये चीज बहुत ही ज्यादा हाईलाइट हो गई है, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं इंडिया की पॉलिटी में और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहां कुछ हमारी जो ऑटोनॉमी है, एक्सक्लूसिवनेस जो है वो एंड हो सकती है। तो कई तरह के इसमें डिमांड्स उठ रही हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि जैसे NRC आसाम में हुआ है वैसा ही हमारे यहां पर भी हो, और कुछ ये चाहते हैं कि भाई सॉवरेनिटी जो है वो हमारी बने, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। इंडिया के अंदर रहते हुए उनको अलग से सॉवरेनिटी देना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे उनकी डिमांड है कि भाई एक तो फ्लैग हो, नागा फ्लैग हो, और एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो हमारा अलग होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। हमने कश्मीर का जब इस तरह से एंड किया है तो उनका अलाउ कैसे कर सकते हैं इस टाइम पर, लेकिन उसके लिए वो अड़ गए हैं। और उन्होंने अपने फ्लैग वगैरह दिखाए थे कुछ कुछ उनके प्रोग्राम्स वगैरह के अंदर, वो चीज़ हम अलाउ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाई अगर 2015 का एग्रीमेंट जो हुआ उसको अगर रीड करें तो अपने हिसाब से ये कह रहे हैं कि भाई उसके हिसाब से हमें अलाउ होना चाहिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसको अलाउ नहीं कर सकती है, यही सारा मुद्दा अड़ा हुआ है। तो इन दोनों को अलाउ करना मतलब कि इनको अलग से कुछ सॉवरेनिटी का एस्पेक्ट देना है, और वो नहीं हो सकते हैं। तो इधर गवर्नमेंट के सामने ये चैलेंज है, लेकिन उधर ही देखिए इन्हीं के ग्रुप्स के अंदर कई तरह की फूट पड़ी हुई है। तो अब ये इशू डिस्कस होना बाकी है। तो ये कह रहे हैं कि इसको शांतिपूर्वक हमें करना है, क्योंकि ये सारे फ्रंटियर स्टेट्स हैं और कई तरह के इश्यूज खड़े हो सकते हैं, पास्ट की हिस्ट्री बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक रही है, तो इनको भी थोड़ा सा नेगोशिएटिंग टेबल पे आना पड़ेगा सबको, और गवर्नमेंट को इसमें प्रॉपरली मैनेज करना है। क्योंकि अब जो डेवलपमेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि भाई पहले तो गवर्नमेंट के सामने चैलेंज था, इनके सामने जो ये इनकी डिमांड थी फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की, तो गवर्नमेंट के सामने बड़ा चैलेंज था, लेकिन अभी इनमें ही फूट पड़ रही है। तो कल को हो सकता है कि कोई प्रेशराइज्ड डील हो जाए और कोई ऐसा काम हो जाए कि भाई आज जो इनकी बड़ी बड़े जो सपने हैं सॉवरेनिटी के, फ्लैग्स के, कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके बजाय इनको छोटे छोटे टेरिटोरियल काउंसिल्स में ही लिमिटेड होना पड़े, तो वो इनके लिए फिर दिक्कत होगी। और वो क्यों डेवलप ऐसा हो सकता है, क्योंकि इनमें फूट पड़ी हुई है, तो ये इशू है, ठीक है। तो इनमें जो ट्राइब्स का नाम है जैसे कोन्याक ट्राइब है, ये इंपॉर्टेंट है, सेमा ट्राइब है, वो इंपॉर्टेंट है, तो ये आपसे प्रीलिम्स से पूछ सकते हैं, और मेंस में ये इसका कलेक्टिव समरी आपको याद रखना है, ठीक है।
सबसे बड़ी बात इसमें लास्ट में मैसेज ये बोला गया है कि ये जो ग्रुप्स हैं नागा ग्रुप्स जो हैं उनको भी थोड़ा सा अपना अकोमोडेटिव होना पड़ेगा कि भाई जो पुराने जो इनके इश्यूज़ हैं जिसके रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा स्टबर्न है कि भाई हमारा जो कल्चर है हम तो उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और कुछ भी हो जैसा हमारा कुछ है वैसा ही हम रखेंगे, और अगर कोई डील नहीं साइन होती है तो प्रेजेंट में जो उनका एक्सक्लूसिवनेस उनको मिला हुआ है वो ही रहे, तो यहाँ पर थोड़ा सा अकोमोडेटिव होना पड़ेगा क्योंकि 70 साल का स्ट्रगल हो चुका है और इन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया भी है, आपस में भी इनके बहुत ब्लडी वॉर्स हुई हैं आपस के ग्रुप्स के अंदर भी, तो इनको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि भाई मॉडर्न टाइम आ रहा है, दुनिया ग्लोबलाइज हो रही है, देश में इतनी डेवलपमेंट है और देश के साथ में चलेंगे तो काफ़ी डेवलपमेंट होगा, और इतना चेंज जब आ रहा है टाइम के अंदर, इतना फास्ट वर्ल्ड हो चुका है, इंटरनेट बेस्ड जो रेवोल्यूशन है उसमें थोड़ा सा इनको अकोमोडेटिव होना पड़ेगा, उतनी स्टबननेस के साथ में ये आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने ज़रूरी है, इनको अकोमोडेटिव होना ही पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडरेशन लाना पड़ेगा अपने टॉक्स के अंदर भी, ऐसा नहीं कि आपने बस लठ गाड़ दिया और वैसे ही हम तो करेंगे, हमारा मानते हो तब तो ठीक है वरना हम अलग होना चाहते हैं, ये नहीं चलने वाला है, ये सीधी सी बात है। तो जैसे इन्होंने सब ने मजबूरी में एक NNPG बनाया जो नेशनल नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप है, तो वो सारे इसमें ग्रुप्स इस ग्रुप इसके अंदर जो है ये सारी ट्राइब्स आती हैं, जो ग्रुप्स हैं सारे के सारे आते हैं, लेकिन इसमें अभी बातें चल रही हैं क्योंकि इसमें सब आना नहीं चाहते हैं और मजबूरी की स्थिति है, क्योंकि आपस में जिसको बोल सकते हैं कि कंसेंसस नहीं है, इसलिए इनमें इसमें रहना भी पड़ रहा है, लेकिन कुछ बाहर भी जाना निकलना चाहते हैं और सब मिलके एक साथ गवर्नमेंट के साथ में डील करेंगे तो कोई पॉजिटिव सोल्यूशन निकल सकता है, लेकिन उसमें मॉडरेशन जो आना है वो बड़ा ज़रूरी है। तो यही बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी समरी जानना, बाकी इसमें पढ़ सकते हो पूरा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसको ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये, और ये चीज़ एकदम ऐसी की ऐसी तो आपको ना तो याद रखनी है नहीं आपको पूछा जाएगा, आपको इसका जस्ट पूछा जाएगा और कुछ एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन की होनी चाहिए, हालांकि ये जो अभी और इसमें डेवलपमेंट होने हैं ये साइन होना है, उसके बाद में इसमें और आर्टिकल्स आएंगे। तो ये आज का लेसन था, कल मिलेंगे, थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी।